हेलो, आज मैं आपके साथ ठेकुआ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ठेकुआ आप बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं, जैसे बिहारी स्टाइल पे बनाते हैं। आप जब भी छठ पूजा होता है, आपको ज़रूर ठेकुए की प्रसाद तो मिलती होगी, तब ये ठेकुआ आपको बहुत ही टेस्टी और बनाने का भी मन करता होगा। तो लीजिए, आज मैं आपकी ये मनोकामना पूरी कर देती हूँ। आज मैं आपके साथ इसी ठेकुए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी एक बिहारी घर पे हुई है, तो मुझे भी ये ठेकुए की रेसिपी मेरी सासू माँ द्वारा पता चली है। तो ये मेरी ठेकुए की रेसिपी जो मेरी सास बना रही है, वही आपके साथ शेयर कर रही है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कोई भी टिप्स मिस ना करें और इसी तरह खस्ता कुरकुरा ठेकुआ बन के तैयार हो। मैदा लिया है। मैदा ये कम से कम 1 किलो है। 1 किलो मैदा में हमें 250 ग्राम सूजी लेना होगा। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये है चीनी, जिसे मैंने पीस के रखा है। चीनी लगभग 150 से 200 ग्राम है, जिसे हम पीस के इस्तेमाल करेंगे। लगभग 2 कप तेल ले रही हूँ, इसे मिक्स करूँगी। ये ठेकुआ मेरे सासू माँ के द्वारा बनाई जा रही है। सूजी दे रही हूँ, जो चीनी हमने पीस के रखा है उसे भी दे देंगे। अब सबको सूखा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम पे आप छोटे छोटे काट के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर पे हम थोड़ा पानी देंगे, लगभग आधा कटोरी से 1 कटोरी, और एक मिक्सचर को थोड़ा सा बाइंड जैसे कंसिस्टेंसी लाना होगा। इसे हमें डो नहीं बनाना है। दूसरी तरीका और एक होता है कि अगर आप चीनी का एक चाशनी, चीनी को पानी में डुबा के वो पानी को भी आप इस मिक्सचर में दे सकते हैं। यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने चीनी का चाशनी नहीं दिया है। पानी हमें बहुत ही कम देना है, क्योंकि ये डो हमें बहुत ही टाइट बनाना है, ऐसे सूखे ही रखना है, इसे हमें डो नहीं बनाना है। देखिए, हमने मैदे, चीनी और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी के साथ। यहाँ पर मैंने लगभग आधा कटोरी से 1 कटोरी पानी लिया है। अब इसको हमें गोल गोल शेप देते हुए ठेकुए का शेप देंगे, चपटा करके। देखिए कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो मिक्सचर पर हम बना रहे हैं वो बिल्कुल ही पतला ना बनाए, बिल्कुल ही आटे के जैसे सेट ना करें, ऐसे सूखे सूखे रहे। और सूखे सूखे का ही हम लोग लोइया बना के हुए उसको चपटा करेंगे ठेकुए के शेप में। ठेकुए में आप बहुत तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए कुछ इस तरह का लकड़ी का पाया जाता है बाज़ार में, इसका भी इस्तेमाल करके आप उन पर शेप बना सकते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए हम तेल को पूरी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे। देखिए, अब मैं इसमें ठेकुआ दे रही हूँ। तेल हमारा पूरी तरह गर्म हो चुका था और इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक हमें पकाना है, जब तक दोनों तरफ ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना आ जाए। लगभग 20 मिनट के बाद देख रहे हैं हमारा ठेकुआ दोनों तरफ से पक चुका है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे अब हम उतार लेते। ठेकुए बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखते हैं, ऐसे बाहर से ब्रेक टाइप के, तो फिर आप समझेंगे जो आपका ठेकुआ होगा वो बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनेगा और अंदर से बहुत ही सख्त रहेगा। इस ठेकुए को आप 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। ये ठेकुआ ज़्यादातर छठ पूजा के टाइम बनाया जाता है या फिर दिवाली के टाइम, तो इसे लोग पूजा के टाइम बनाते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं, पूजा पे भी चढ़ाया जाता है, प्रसाद के रूप में भी इसे खाया जाता है। तो ये ठेकुआ हम प्रसाद के रूप में देते हैं, बहुत दूर दूर के जो रिश्तेदार होते हैं उसे दिया जाता है, ताकि ये बहुत दिन तक स्टोर होकर रहे, तो इसलिए ख़ास तौर पर ये पूजा के दिन में भी बनाया जाता है। ठेकुए की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।